A time-varying torque of 4T Newton meter is applied on an object about pivot. Change in angular momentum of body at time t equals to 3 seconds is. Torque दिया हुआ है, time के साथ change हो रहा है, 4T है. Change in angular momentum पूछ रहा है. Torque जैसे Newton का second law होता था ना, क्या? Force is equals to rate of change of linear momentum. वैसे ही torque is equals to rate of change of angular momentum. तो टॉर्क को लिखेंगे dl by dt, dl को लिखेंगे tau into dt, है ना. dl का इंटीग्रेशन करेंगे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम से फाइनल एंगुलर मोमेंटम तक. टाइम का इंटीग्रेशन करेंगे, ये tau की जगह 4t वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे, है ना. और इंटीग्रेशन करेंगे इसका 0 से लेकर 3 तक, क्योंकि 3 सेकंड्स तक हमको पूछा है कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा. तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा एल एफ माइनस एल आई, टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाय टू, 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना. 4 2 से कैंसिल हो जाएगा और लिमिट से हमारी 0 से 3 तक. इधर एल एच एस में एज इट इज़ चलता रहेगा, यहाँ बच जाएगा 2t स्क्वायर. अब हायर लिमिट डालेंगे माइनस लोअर लिमिट डालेंगे टी की जगह, तो हायर लिमिट डालने के बाद 2 × 3² दैट इज़ 9, सो आंसर विल बी 18 kg meter per second. थैंक यू फॉर वॉचिंग.